अरे नहीं नहीं ईद के लिए हम देंगे आपको। अभी तो मैं तो चाहता हूँ आप पहने और आप अपने हस्बैंड को ऐसे करके दिखाइएगा चूड़ियां यूं करके। पहनाओ 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 जल्दी पहनाओ। आप मेरी पसंद से पहनेंगे या अपनी पसंद से पहनेंगे? आप अपनी पसंद। मैं अपनी पसंद से पहनाऊँ? अच्छा, मैं एक तो मुझे फिरोजी रंग बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि ये आपको फिरोजी रंग पसंद है? जी फिरोजी रंग और काला रंग। फिरोजी और काला ये पड़ी नहीं, ये पहना सकते हैं? सॉरी सॉरी, ये हम लोग पहना सकते हैं ना? ये भाई पहले मैं सिर्फ एक एक ये पहना सकता हूँ? पहनानी आती है? मुझे नहीं पता, अभी पता चल जाएगा कि मुझे आती है या नहीं आती। 1 2 3 here we go। शाफात की हेल्प कर ले। शाफात की हेल्प कर। शाफात की हेल्प ले। ये साइज छोटा तो नहीं? नहीं नहीं सही आ जाएगा। ये भी एक आर्ट होता है ये। जी ये भी एक आर्ट है। मैं इसलिए सीख रहा हूँ जियो को भी निकाल दे तो ये तो कर सकूँ। मतलब इसको ना मुझे देना, इसको खाल को इसे आगे खींचते रहो। आगे खींचता रहूँ? अरे वाह ओके, आगे खींचता रहूँ। आपको तकलीफ तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। पक्का? नहीं पक्का। सीरियसली मैम? बेटा पिनाएगा कैसे? अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस मैं एक ही पहना सकता हूँ, सॉरी। देयर यू गो, वेरी गुड। क्या हो गया एक? अच्छा अब सिलसिला ये है कि वो जो हमारे बहुत अच्छे से आप पहनाए पहनाए, मैं इनको इत्तला देता रहा हूँ सारी। वो जो हमारे बहुत अच्छे से वकार यूसुफ अजीमी साहब बैठे हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने एक ऑफर दिया आपको, और वो ऑफर ये है कि वो आपके बच्चों की फीस जो है, जो दो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो अगले 5 साल तक दे रहे हैं आपको हर महीने 2000। थैंक यू जी। अच्छा, और हमारे मुफ्ती साहब आसिफ सईद साहब, उन्होंने ये कहा है कि जब भी आपकी बेटी का निकाह होगा जी, हैदराबाद में हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, उसको खुद मौलाना साहब खुद पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह, मेरे जिम्मे भी खुद डाले भाई। आप बताइए क्या? हम मेहमान, मेहरबानी, हम आपके साथ जाएंगे। आप बताइए क्या क्या? एमरल्ड टावर में हमारी बुटीक है, आपको हमारी तरफ से शादी में 5 जोड़े आपकी पसंद के आप आकर ले लीजिएगा। शुक्रिया, मेहरबानी। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ये तो ये बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा जी। रमजान में आप क्या करती हैं नॉर्मली? रमजान में तो कारोबार नहीं होता। नहीं, बस नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, अल्लाह। अच्छा, तो आपको हम इस रमजान 7000 रुपए दे रहे हैं माशाल्लाह, और अगले महीने आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ एक महीना आपका फिक्र के बगैर गुजरे और आप काम ना करें। एक महीना वो तो 4 दिन होते, ईद के 4 दिन गुजरते, फोन के ऊपर फोन आते, फोन के ऊपर फोन। नहीं, लेकिन वो अब आप अगर आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे तो फिर मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। अगर प्रॉमिस करें कि 1 महीने आप छुट्टी लेंगे। बेटा चाह रहा है कि अच्छा चले करें, चले एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, क्योंकि वो आपका कारोबार है, वो मुतासर नहीं होना चाहिए। 2 दिन छुट्टी ले लीजिएगा, सही? ठीक है, और हमारी तरफ से आपके घर के लिए 10000 रुपए की ईदी। वाह, ठीक है ना? ये मेरी तरफ से, मेरी पर्सनल तरफ से, ये इसका मैं और मेरी टीम जो है हम लोग देंगे। ठीक है जी, और हमारी बहनों के लिए ये एक नहीं, 2-2 चूड़ियों के जोड़े दीजिएगा। ठीक है, जब इनकी चूड़ियां हो जाएं तो मुझे दिखा भी। एक सेकंड, नहीं नहीं तुम पहनाओ पहनाओ, मैं मुझे ऑनेस्टली वाकई नहीं आती। सीख रहे हैं? हाँ मैं सीख रहा हूँ, मैं वाकई सीख रहा हूँ। दिखा दिखाइए जी। वाओ, हाथ दिखाइए। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। आप प्लीज चूड़ियां पहन लें, तो चूड़ियां पहन लेंगे तो फिर उधर आ जाइएगा। माशाल्लाह, तो आई थिंक कुछ चीजें तो अच्छी हो ही रही हैं। बहुत अच्छी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो कोशिश है, हम कामयाबी से आहिस्ता आहिस्ता वहाँ बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। अच्छा साहिर, एक बात है कि मेरे पास बहुत सारे लोग अपने मसले मसाइल के लिए आते हैं, और मैं उनको बताता हूँ कि आप ये करें, ये पढ़ लें, ये कर लें। साथ साथ मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा है कि सदका खैरात के लगना जाए, नहीं नहीं लगे, जरूरी तोड़ना नहीं, और सदका रद्दे बला है, अल्लाह ताला की तरफ से एक शेल्टर फराहम करता है। तो उसमें मैं मुख्तलिफ तरीकों से खैरात करने के लिए, मैं बाज़ लोगों को इस बात का पाबंद करता हूँ कि आप एक या दो बच्चे की एजुकेशन करवाएं, यानी ये चीज़ बतौर खैरात के। फर्ज करो कोई आदमी अपनी किसी परेशानी में है और मैंने उसे कहा कि आप ये आयतल कुर्सी पढ़ लें या सूरह फलक पढ़ लें, सूरह नास पढ़ लें। साथ में ये कहता हूँ कि अपने घराने, अपने फैमिली के या अपने मोहल्ले के किसी गरीब बच्चे की एक बच्चे की एजुकेशन 1 साल के लिए आप जिम्मा ले लें अपना, तो ये आपकी तरफ से खैरात में शुमार होगा।
मैं समझता हूँ कि आजकल हम लोगों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है ना एजुकेशन को देनी चाहिए। बहुत सही। और खैरात इस तरीके से करना चाहिए जो हमारी आइंदा नस्लों के भी काम आए और वो खैरात लगे भी नहीं। और ये बात आपने जो कही ना, ये बात लगे। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड द रेस्ट ऑफ द पैनल एंड इन यू, मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मैं समझता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरी जरूरत से ज्यादा है, वो मेरा फर्ज है। अगर मैं नहीं करूंगा तो सवाल होगा। बिल्कुल सही। अगर इस वक्त मैं ऐसे अगर ये यहाँ से ऐसे चली जाती है ना, बिल्कुल सवाल होगा, तो फिर मुझसे सवाल होता कि मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा, मैंने तुम्हें नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, पैसा दिया, तुमने उसका क्या किया? उसी की देन है सारा। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। तो कोई किसी पे एहसान नहीं करता, सारे खुदा के करम है। आइए प्लीज, आइए आंटी, बैठिए। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपका अगर कोई ख्वाब है और सवाल करना चाहते हैं हमारे इस पैनल से तो प्लीज सवाल कीजिए। ऑफकोर्स कल मैं कुछ ऐसे केसेस आपके सामने लाऊंगा जो ये समझते हैं कि उन्हें नजर हो गई है। नजर क्या होती है, इसके बारे में हम आके बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।